सो फाइनली दोस्तों, ओप्पो अपना फाइंड एक्स 8 प्रो 5G फोन इंडियन मार्केट में 21 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। पर उससे पहले इसके सारे फीचर्स और लीक्स बाहर निकलकर आ चुके हैं, जो कि आपको आज की वीडियो में जानने को मिल जाएंगे। उसके साथ में हम बात करेंगे कि इस फोन का इंडिया में क्या प्राइस रहने वाला है और क्या आपको इस फोन के लिए वेट करना चाहिए या फिर नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लुक एंड डिजाइन की। तो आप लोग वीडियो में देख सकते हो, इस फोन के अंदर आपको कुछ इस तरह का डिजाइन देखने को मिल जाएगा, जो कि देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम और अट्रैक्टिव लगता है। बैक साइड में आपको एक सर्कुलर कैमरा डिजाइन देखने को मिल जाता है, वहीं नीचे की साइड आपको ओप्पो की ब्रांडिंग मिल जाती है। फ्रंट साइड में आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, साथ में आपको एक कैप्चर बटन मिल जाएगा आईफोन के जैसा, जिससे कि आप फोटोज वगैरह खींच सकते हो। तो ओवरऑल लुक एंड डिजाइन के मामले में तो ये फोन आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। बाकी अब अगर हम बात करें इसके फीचर्स की, तो इस फोन के अंदर आपको 6.78 इंच की ओलेड डिस्प्ले दी गई है, जिसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। उसके साथ में आपको 1 बिलियन कलर्स HDR 10 प्लस और 1600 नीट्स से लेकर 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। तो डिस्प्ले वाइज तो ये फोन आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, और इसके अंदर आपको बेजल्स और चिन भी काफी कम देखने को मिल जाएगी। कैमरा सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें की मेन कैमरा आपका 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा विद OIS सपोर्ट, और इसके अंदर आपको सोनी का LYT 800 सेंसर देखने को मिल जाता है। उसके साथ में आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा मिल जाता है, और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं फ्रंट साइड में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, और इस फोन के अंदर आप 4K 60fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसी के साथ अगर हम बात करें प्रोसेसर की, तो इसके अंदर आपको MediaTek का Dimensity 9400 चिपसेट दिया गया है, जो कि एक तगड़ा प्रोसेसर है, और इसके अंदर आप अपनी हार्डकोर गेमिंग, हार्डकोर एडिटिंग, मल्टीटास्किंग, डेली टास्क बिल्कुल इजीली कर लोगे। वहीं अगर इसके एंटूटू स्कोर की बात करें तो वो आपको 3 मिलियन से अबव देखने को मिल जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि फोन के अंदर आपकी गेमिंग और मल्टीटास्किंग तो काफी फास्ट होने वाली है। इस फोन के अंदर आपको 5910mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ में आपको 80W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, और 50W की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। वहीं इसके कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर, आयर ब्लस्टर, NFC और एंड्रॉइड 15 जैसे काफी अच्छे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं ओप्पो फाइंड एक्स 8 प्रो 5G फोन के इंडिया प्राइस के बारे में। तो इस फोन को चाइना के अंदर 62,000 रुपीस के अप्रोक्स लॉन्च किया गया है, लेकिन जब ये फोन इंडिया में आएगा ना, तो GST टैक्स वगैरह लगने के बाद ये फोन आपको 70,000 से 75,000 रुपीज के अप्रोक्स देखने को मिल सकता है, और ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेड प्राइस है। हो सकता है कि आपको कम प्राइस में भी देखने को मिल जाए। बाकी आपको क्या लगता है इस फोन का इंडिया में क्या प्राइस होगा, कमेंट कर जरूर बताना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको ओप्पो फाइंड एक्स 8 प्रो 5G फोन के बारे में सब कुछ बताया कि आपको इस फोन के अंदर क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, कब ये इंडिया में लॉन्च होगा, इसकी इंडिया में क्या प्राइस रह सकती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।